कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया। नाज होके फुर्सत हुई, हमने कहा आप सर को फोन लगा लें। अच्छा, एक तो आज हमने एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लॉन्च कर दिया है विधिवत। अच्छा, ये स्कीम कह रही है कि शुरू में 10,000 रुपए प्रति माह प्रति परिवार की गारंटी है, राइट? ये जो भुगतान है ये ऐसा नहीं है कि माह के अंत में मिलेगा, ये भुगतान जो है जो भी वर्क कंपोनेंट आप कंप्लीट करेंगे उसके जस्ट बाद मिलेगा। बस मरे हो ना, जैसे अज्यूम करिए कि आप किसी घर में काम करने वाले हैं, राइट? तो उस घर में पहुंचाने के लिए आपको वाहन की व्यवस्था की जाएगी, राइट? उसमें वहां काम करने के लिए जो एम्प्लायंसेस हैं, वैक्यूम क्लीनर हैं, छोटे छोटे टील, क्योंकि जो भी आप काम करेंगे वो इतना उत्कृष्ट होगा कि आज तक भारत में ऐसा काम किसी ने किया ही नहीं होगा, राइट? तो उस काम को करने के लिए टूल दिए जाएंगे, ठीक है ना? उस काम को जो है के लिए जो है आपको वहां तक पहुंचने के लिए साधन भी जो है दिया जाएगा, राइट? और उसके बाद आप वहां से चल के आगे जगह जाएंगे, वहां पर भी आपको वही वाहन ले जाएगा, राइट? उस वाहन में धीरे धीरे जो है वो छोटी छोटी व्यवस्थाएं भी होंगी। जैसे किसी महिला का बच्चा है, राइट? अब उस बच्चे को कौन देखेगा, छोटा बच्चा है, तो उन गाड़ियों में क्रेस्ट की व्यवस्था भी होगी जो बच्चों को संभालेगी, ठीक है ना? ये सब व्यवस्थाएं, और कोई भी चीज फ्री नहीं होगी। हाँ हाँ, मतलब हर का कॉस्ट है वो आसान किस्तों में तब पटेगा जब आपके पास जो है ना ये पैसा पहुंच के आपको पटना, वो उसमें ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी, राइट? 5 साल के अंदर जो है, बल्कि पहले साल के अंत तक जो है प्रयास रहेगा कि 10,000 को मिनिमम जो है 25,000 प्रतिमाह प्रति परिवार कर दिया जाएगा एक व्यक्ति के लिए, ठीक है ना? और 2029 तक इसको बढ़ा के जो है 25,000 कर दिया जाएगा, और 4 लोगों को जो है इसकी पात्रता बढ़ा दी जाएगी। इसका मतलब है कि एक परिवार जो है 1,00,000 रुपए पर मंथ का मिनिमम ये गारंटी है। और जो भुगतान कैसे होगा, वो जैसे आपने एक काम किया 1 घंटे में कंप्लीट किया तो 1 घंटे बाद आपको उसका पेमेंट मिलेगा, राइट? अच्छा, और अच्छा। और जो सम टोटल ऑफ रेवेन्यू जो मिल रही है वो यदि से अज्यूम करिए कि 1,00,000 से कम है, राइट? तो आपको 1,00,000 रुपए मिलेगा, जो रेवेन्यू कम पड़ेगी उसे डेबिट अकाउंट में दर्शाया जाएगा। डेबिट अकाउंट का मतलब ये है कि आपको वो ऋण माना जाएगा, राइट? डेबिट किसी से, मतलब किसी से मांगना नहीं है, वो आपको उतना ही माना जाएगा, क्योंकि आपको प्रयास कराना है कि आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो 1,00,000 के ऊपर जाए। कुछ लोगों की रेवेन्यू स्ट्रीम तो 5-5, 10-10 लाख भी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो है ना 1,00,000 तो न्यूनतम है, 1,00,000 अपर लिमिट नहीं है, न्यूनतम है। और 2025 तक जो है रोजगार गारंटी स्कीम वाले जितने भी लोग हैं उनको जो है क्राइम फ्री भारत के इकोसिस्टम में 50% का डिस्काउंट रहेगा। लिहाजा जो 1,00,000 है इसकी क्रय शक्ति 2,00,000 के बराबर कर दी जाएगी। मतलब बात समझ रहे हो ना? अब ये 1,00,000 की जो है उसको रेवेन्यू, मतलब वो मिल रही, मिनिमम गारंटी मिल रही है, राइट? 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ के कितनी हो गई, 2,00,000 रुपए पर मंथ कितनी हो गई है, 2,00,000 हो जाएगी, 2,00,000 रुपए पर मंथ परचेजिंग पावर क्रय शक्ति हर परिवार की न्यूनतम है। और जो ज्यादा मैदान कट के ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम लेगा उनकी जो है 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000 भी कमाएंगे लोग, राइट? और ये सब सम्मान के साथ होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप चले जा रहे हैं, आपके कपड़े जो है ना सुंदर कपड़े होंगे, आपको जो है ना जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था होगी, आपके यदि बच्चे बहुत छोटे हैं तो उन्हें संभालने के लिए उसमें क्रेश होगा, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जो है वो गाड़ी ही सेम गाड़ी आपको लेके जाएगी। और ये अपेक्षा की जा रही है
कि आप जो है दिन भर में कम से कम 8 जगह काम करेंगे और हर कंपोनेंट आपको इतना इफिशियंट बनाया जाएगा कि 1 घंटे में आप अपना वर्क कंपोनेंट कंप्लीट कर लें, राइट? हाँ, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। यदि कमी होगी तो उसमें आपका जो अमाउंट है उसमें कटौती हो जाएगी, राइट? तो हाँ, जो अमाउंट में कटौती 3 आधार पर होगी। 1, काम की क्वालिटी, राइट? दूसरा जो है आपका व्यवहार, और तीसरा वेशभूषा। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी के साथ हम आपको सम्मान दे रहे हैं, आपको जो है हर सुविधा इंक्लूडिंग वो टूल्स भी दिए जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब है आपको टूल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके दिए जाएंगे। मतलब जो टूल आज आपने देखे नहीं है वो भी आपको प्रदाय किए जाएंगे, और उन्हें आपको खरीदना नहीं है। वो छोटे छोटे जो है ना किस्तों में अपने आप पड़ जाएगा और आप उन इंस्ट्रूमेंट के मालिक होंगे। इंस्ट्रूमेंट वालों बनाने वालों की लाइफ टाइम वारंटी होगी। तो यदि कोई इक्विपमेंट ऑब्सोलीट हो जाता है तो जिस कंपनी ने आपको वो इक्विपमेंट दिया है वो उसे वापस लेके आपको नया अपडेटेड इक्विपमेंट देगी, राइट? और ये कोई भी चीज आपको ना परचेज करना है, ना लेना है, ना देना है, ये सब काम ऑटोमेटिक होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि एक तो आप वो फॉर्म बना लें जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, राइट? उस फॉर्म में मैं ये चाहता हूं कि उसका एक तो जो है खुद का परिचय पूरा ले लिया जाए, नंबर 1, राइट? दूसरी बात है कि इस गारंटी स्कीम के लिए जो शर्तें रखी जा रही हैं, उन शर्तों को उसने पूरा कर लिया है उस फॉर्म में, वो भी रखा जाए, राइट? क्लियर? नंबर 3 जो है उसकी वर्तमान जो है शिक्षण और योग्यताएं क्या है उसे कैप्चर किया जाएगा, और वो अनपढ़ है, गंवार है, योग्यता नहीं है, इसकी चिंता उसे नहीं पालना है, राइट? वो यदि अनपढ़ गंवार भी है तो उसको ट्रेन करने की जिम्मेवारी क्राइम फ्री भारत मिशन की होगी। बात समझ रहे हो ना? मतलब वो अनपढ़ है, गंवार है, कोई चिंता नहीं पालना है उसे, तो ये ध्यान रखना कि हमें 2 लाख रुपए पर मंथ की परचेजिंग पावर 2029 तक मिल जाएगी। बाकी सब समस्याएं क्राइम फ्री भारत की हैं, राइट? लेकिन क्राइम फ्री भारत ये भी कह रहा है कि आपको कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलेगी, राइट? बिल्कुल राइट। वो जो आपको अर्निंग अकाउंट में पैसा जाएगा उससे आसान किस्तों में अपने आप एक फॉर्मूला के तहत पड़ता जाएगा। तो आपको कोई नोटिस नहीं देगा कि आपको पैसा नहीं दिया, वो अपने आप होता जाएगा, राइट? मतलब उसका भी आपको टेंशन नहीं पालना है कि अरे आपकी किस्त जो है ना किस्त हो गई, मिस हो गई, फलाना नहीं हो गई। यदि मान लो अच्छा चूंकि गारंटेड स्कीम है तो आपको 1 लाख तो मिल ही जाना है, तो उससे वो आपका जो भुगतान है वो अपने आप होता रहेगा, राइट? अब आपको तैयारी ये करना है कि एक तो फॉर्म डिजाइन करना है, राइट? दूसरा जो उसकी शर्तें क्या हैं वो मैं बना रहा हूं, अभी उसी काम को मैं कर रहा था, वो मैं अभी मैं 10-15 मिनट में कंप्लीट करके वो भी आपको भेजूंगा। उसका बाकायदा बैनर भी बनेगा, आपका फॉर्म जो आप बना के मुझे भेजेंगे उसका भी बैनर बनेगा, राइट? अच्छा, इसकी जो मुख्य अहर्ताएं हैं वो ये है कि उसे जो है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी का सदस्य होना होगा, और वो किसी अन्य पार्टी का सदस्य नहीं है ये भी शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र कोई नोटरी वोटरी करनी नहीं, हाथ से लिख के देने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं करना है, राइट? नंबर 2, उसे शपथ जो है अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य का जो है भी शपथ पत्र जो है हस्ताक्षर करना होगा, उसका वीडियो भी बनाना होगा, राइट? और सदस्यता की शर्तें उसे पूरा करना होंगी। तो सदस्यता की जो 3 शर्त है ना, 3 शपथें हैं। पहला है कि मैं जो है 10-10 लोगों को 9 दिन से तक जोड़ूंगा। ये शर्त जो है ये 9 दिन में हो ये जरूरी नहीं है वो, लेकिन ये शर्त पूरी होना जरूरी है। बात समझ रहे ना? मतलब उसको जो 90 लोगों को जब जोड़ लेगा इसके बाद ही उसकी जो है ना कंप्लीट होगी अहर्ता, राइट? हाँ, राइट। हालांकि इसे जो है आगे चल के थोड़ा सा
निरस्त किया जाए, मतलब लूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 100 करोड़ में से 90 करोड़ में से किसी को भी नहीं जुड़वाना है, राइट? तो जो शुरू के सदस्य हैं इनके लिए ये आवश्यक होगा, जब हमारी सदस्यता आगे पहुंच जाएगी तो इस शर्त को प्रयास में बदल दिया जाएगा। अभी ये शर्त आवश्यक शर्त है कि आपको 90 लोगों को जोड़ना ही होगा, और जिन लोगों को जोड़ना होगा वो ऐसे होना चाहिए जिनको जो है आपने ऊर्जाकृत किया है, शपथकृत किया है, और उनको इस बात के लिए मोटिवेट किया है कि जुड़ने के साथ ही वो दूसरे लोगों को जोड़ना चालू कर दें। बिल्कुल सही, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? आ गई। तो इसकी जो तीसरी शर्त है वो है कि क्राइम फ्री भारत मिशन का बैनर, झंडा, टी शर्ट और कैप का धारण करना। मतलब आप जो काम आम पे जा रहे हैं उस समय नहीं, जब आप काम आम के समय जो है ना अपने एरिया में घूमते हैं तो इस वेशभूषा में घूमेंगे, ये भी शर्त का हिस्सा है। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद जो है मोबाइल होना इस शर्त का हिस्सा है। आपको तभी इस रोजगार गारंटी योजना का लाभ मिलेगा जब आपके पास एक स्मार्टफोन है, राइट? तो चूंकि परिवार के एक व्यक्ति को देना है, लिहाजा हर व्यक्ति को स्मार्टफोन खरीदने की जरूरत नहीं है। शुरू में जो है एक व्यक्ति ले ले, ठीक है ना? तो उसके पास जो है मोबाइल फोन होना आवश्यक है, राइट? मतलब यदि वो मोबाइल फोन जब तक नहीं खरीदेगा तब तक उसे इस गारंटी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। तो अभी फॉर्म वो अभी भर दे, लेकिन उसका लाभ जो है ना उसी के बाद उसके मिलने की पात्रता बनेगी जब वो मोबाइल खरीद लेगा। क्लियर? लेकिन उसको गारंटी स्कीम योजना का हिस्सा बनने में मोबाइल होना जरूरी नहीं है, राइट? लाभ उसको तभी मिलेगा जब वो मोबाइल खरीद लेगा, मोबाइल उसके पास होगा, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट उसे जो है अपने मोबाइल पे उसका फोटो खींच के स्कैन करके अपने टेलीग्राम से मुझे भेजना होगा। ये शर्त का हिस्सा है। तो उसे क्या क्या चीजें भेजना है टेलीग्राम ऐप पर? नंबर एक, शपथ पत्र कि उसने जो है ना श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी का सदस्य है और किसी अन्य का सदस्य नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा जो है अपराध मुक्त भारत मिशन की जो सदस्यता शपथ है उसका, और सदस्य की शपथ लेते हुए वीडियो, मतलब एक हो गया कागज पे शपथ और दूसरा है उसका वीडियो बनवा ले, किसी से भी कह के भैया मैं शपथ ले रहा हूँ मेरा वीडियो बना लो, राइट? तो उसका वीडियो बना के भी टेलीग्राम ऐप पर भेजना है। तीसरा जो है, जो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप डिजाइन कर रहे हैं इसको भर के इसको भी अपलोड करना पड़ेगा, राइट? क्लियर? तो अच्छा, इसमें एक लाभ और भी दिया गया है, जो ये सदस्यता भरवाएगा जाएगा उसी व्यक्ति को 500 रुपए एक सदस्यता का जो है इस तरीके का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी का फॉर्म भराएगा उसे हर सदस्य से, मतलब उसे 500 रुपए की पात्रता होगी, राइट? और ये 500 जो है उसे तब मिलेंगे और उसी से फंड से मिलेंगे जो उसको पहली एम्प्लॉयमेंट गारंटी का भुगतान होगा, क्योंकि जो फॉर्म भरा रहा है मैं उसका इंटरेस्ट लास्ट तक रखना चाहता हूँ, वो ये इंश्योर भी करे कि उसे उसका भौतिक लाभ मिले। बात समझ रहे हो ना? उसे पैसा तभी मिलेगा, तो उसको 10,000 उसे मिलेगा और जो है 500 जो है इसे मिलेगा, राइट? तो वो 10,000 में से ही 500 कटेंगे, तो उसे नेट भुगतान 9,500 का होगा और 500 का भुगतान उस व्यक्ति को होगा जिसने उसको सदस्य बनाने में भूमिका निभाई है, क्योंकि सदस्य बनाने में भूमिका निभाने वाले को भी हम आर्थिक जो है इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, और वो इंटरेस्ट हमें लास्ट तक बरकरार रखने के लिए हम उसमें शर्त ये रख रहे हैं कि जब इसकी किस्त का भुगतान होगा उसके साथ ही 9,500 उसके खाते में चले जाएंगे, 500 इसके खाते में जाएंगे। अच्छा, और जब वो पढ़ रहा होगा, ट्रेनिंग कर रहा होगा, तब भी उसे 10,000 मिलेंगे, राइट? उसको जो ट्रेनिंग के लिए और जो बाकी चीजों का जो भुगतान है, मतलब जो लाइबिलिटी है, वो डेबिट एंट्री कर दी जाएगी। तो एक दो अकाउंट जो हमने कहा है, एक अर्निंग अकाउंट होगा और एक डेबिट एंट्री अकाउंट होगा। उसमें जो भी खर्च उसके ऊपर किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल दिए जाएंगे, फलाना दिया जाएगा, कोई भी चीज मुफ्त नहीं दी जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि जब उसका 2,00,000 रुपए परचेजिंग पावर बन रहा है तो वो हर चीज क्रय करने की क्षमता रखता है, उसे मुफ्त क्यों चाहिए? तो
क्राइम फ्री भारत फ्रीबी के विरुद्ध है, रिजर्वेशन के भी विरुद्ध है। वो आपने काबिलियत पैदा कर देगा, आपको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? हाँ। तो क्राइम फ्री भारत और श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी दोनों ही जो है वो इससे जो है पूरी तरह से जो है फ्रीबी मुक्त, रिजर्वेशन मुक्त, गरीबी मुक्त भारत को जो है निर्माण करने में पूरी तरह से समर्पित और संकल्पित है। तो ना भारत में जो है ना फ्रीबी होगी, ना भारत में रिजर्वेशन होगा और ना गरीबी होगी, समृद्धि होगी। गरीबी वर्ड तो नेगेटिव हो गया है, भारत में गरीबी से मुक्त कर समृद्धि की तरफ ले जाएगा, समृद्ध बनाएगा आपको। और ये भी वो उसका कमिटमेंट है कि आप जो है ना तो झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे, ना आप जो है स्लम एरिया में रहेंगे, आप भारत के कम से कम जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का हिस्सा है उसको जो है अच्छे डिजाइनर घर में रहने की पत्ता हुई, क्योंकि मैंने उसकी परचेजिंग पावर बढ़ा दी है, राइट? उसके बच्चे जो है अच्छा दूध, अच्छा घी, अच्छा फल खाएंगे, उसको निरोगी जो है सामान मतलब अनाज से लेके हर चीज, इवन जैविक सब्जियां वगैरह उसको घर पे उपलब्ध करा दी जाएंगी, तो उसको हम निरोगी और दीर्घायु भी बनाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं है, राइट? जब वो कम से कम काम पे जाएगा तो उस समय उसकी वेशभूषा निर्धारित होगी, इंक्लूडिंग उसके बाल कटे हुए हैं कि नहीं कटे हुए हैं, उसका आचार, क्योंकि जो उसका भुगतान में एक तीन फैक्टर्स क्रिएट किए जाएंगे। पहला क्रिएट है क्वालिटी एंड इफिशियंसी, राइट, काम की। दूसरा जो है श्रेष्ठतम व्यवहार, आप घटिया व्यवहार नहीं कर पाएंगे, राइट? बिल्कुल सही। तीसरा जो है आपकी वेशभूषा भी आपके काम के हिसाब से अच्छी होगी और वो भी निर्धारित होगी, मतलब उससे अच्छी वेशभूषा तो आप धारण कर सकते हो, उससे घटिया वेशभूषा धारण नहीं कर पाएंगे, राइट? चौथा जो उसका है कि आपको जो है जो ये सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है उसी सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आपको जाना आना होगा। उससे क्या है कि हम आपकी नियमितता को कंट्रोल कर पाएंगे, राइट? तो मतलब आपको जो है एयर कंडीशन बस में जाना है तो आपको जाना ही होगा, हालांकि वो एयर कंडीशन बस भी का जो चीज है वो आपके ही डेबिट एंट्री से भुगतान की जाएगी, जब आपकी अर्निंग होने लग जाएगी तो धीरे धीरे पट जाएगा। आपको किसी से कर्ज नहीं लेना है, किसी से कर्ज नहीं पटाना है, जो ये जो चीजें पटेंगी वो आपकी समृद्धि से पटेंगी। लेकिन कोई भी चीज फ्री भी नहीं होगी, कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा, कोई भी जो है ना व्यक्ति रोगी और नहीं होगा, क्योंकि उसकी मेडिकल चेकअप से लेके और मेडिकल चेकअप में भी वो इक्विपमेंट लाए जाएंगे जो आज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब मसून लनन, जैसे अभी बात पित्त कफ को पढ़ने की कोई मशीन नहीं बनी है, ये एक साल के अंदर इस मशीन को डेवलप करके सभी जगहों पर पहुंचाया जाएगा और भारत में हर नागरिक का जो आज आप मेडिकल चेकअप कहते हैं वो उसके घर पे जाके किया जाएगा। तो उसके लिए चेकअप के लिए मोबाइल वैन जाएंगी जो घर घर घूमेंगी और अपना करेंगी, और उसको आपको कोई भुगतान नहीं देना होगा, वो भुगतान आपके डेबिट अकाउंट से अपने आप होता रहेगा, तो आपको वो टेंशन भी नहीं पालना है। लेकिन फिर से मुफ्त में कोई चीज नहीं है, तो आपको शुद्ध दूध मिलने की जो है ना आपको घर पे जाके पहुंचाया जाएगा, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं होगा। इवन जो है आगे चल के जो आपका अनाज और आटा है उसमें दीर्घायु बनाने की जड़ी बूटियां मिलाई जाएंगी, जिससे कि आपकी लॉन्गेटिविटी बढ़े। तो आप अकेले निरोगी ही ना रहे बल्कि आप जो है दीर्घायु हो और आप खुश रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें, और आपको विश्वगुरु के लेवल पे ले जाना है। आपकी जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है, हर कोई डिग्री भी जो है एमएससी और वो नहीं करेगा, जिसको जिस अपने लेवल पे काम करने की इच्छा है उस लेवल की रिसर्च भी करेगा, उस लेवल की शिक्षा भी दी जाएगी, साथ में प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी, राइट? और अब बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेवारी माँ बाप की नहीं होगी,
तो कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा? क्राइम फ्री भारत मिशन, क्राइम फ्री भारत मिशन। और बच्चे को उस समय भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा, उसके डेबिट एंट्री से जो है ना उसका भुगतान होता रहेगा। जब वो कमाने लगेगा तो आसान किस्तों में बिना उससे पूछे अपने आप भुगतान भी चालू हो जाएगा। तो बताइए ये पूरी व्यवस्था ईश्वर तुल्य होगी कि नहीं होगी? आपको किसी चीज का टेंशन ही नहीं पालना है। बिल्कुल 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 सर, ये देवीय और ईश्वर तुल्य व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था। आप बताइए जो आज के दुष्ट राजनेताओं की राक्षसी व्यवस्था है, जिसमें इन दुष्टों ने अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून अपने दुष्ट लोगों ने अपनी ही देश की जनता पे थोप के रखे हैं। इतने घटिया कड़वे दुष्ट और देशद्रोही लोग हैं ये चरित्र से दुष्चरित्र भी हैं। इनका चरित्र भी घटिया है, इनकी नजरें भी ठीक नहीं है, ये मां बहनों को अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं, ऐसे घटिया लोग हैं। इन्होंने वही दुष्ट व्यवस्था जो कि अंग्रेजों के चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों को शोषण करने के लिए, कुचलने के लिए, प्रक्रिया में फंसा के बर्बाद करने के लिए, तोड़ने के लिए बनाई थी, इन दुष्ट घटिया चरित्र के देशद्रोही राजनेताओं ने अपने देशवासियों पर यही व्यवस्था थोप के रखी है। आज भी ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो दिख रही ना, जन जन मानता है, हर कोई मानता है, हर किसी को दिख रहा है ये। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें आप तैयारी करिए और परसों जो है हम परसों या नरसों अपन तय कर लेंगे, जब आप तैयार हो जाएंगे तो इस पर लाइव चर्चा होगी और ये चर्चा YouTube पर रिलीव की जाएगी। जो व्यक्ति प्रश्न पूछना चाहेगा उसे लाइव ले लिया जाएगा, उसको एडमिट कर लिया जाएगा पैनल पे और वो प्रश्न पूछ पाएगा, केवल कमेंट बॉक्स में पोस्ट नहीं लिख पाएगा बल्कि वो पूछ पाएगा राइट, और वो पैनल पे हर कोई उसे देख पाएगा। तो मुख्य चर्चा में मैं रहूंगा और आप रहेंगे और इस पूछने वाले में जो है ना YouTube चैनल के माध्यम से उसमें जुड़ने की व्यवस्था भी रहेगी, तो व्यक्ति पैनल पर भी आ पाएगा राइट। और एक बार ये चालू हुआ तो इसमें फिर श्रृंखला चालू रहेगी, जैसे मान लो शुरुआत हम आपसे कर रहे हैं, ठीक है ना, एक बड़े टेक्नोक्रेट्स को भी जो है ना हमने कल 5 से 6 इस काम के लिए लिया है आपको, लेकिन हम तब लेंगे जब आप जो है ना इसके वो फॉर्म वॉर्म डिजाइन करके अनुमोदित करा लेंगे, उसके बाद ही आपसे चर्चा की जाएगी, उसके पहले चर्चा आपसे नहीं की जाएगी राइट। तो इसमें इस चर्चा से जो मेरे से लोग बाग बरसों से जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन डिजाइन किए हैं, मैं कोशिश करूंगा यदि उनकी उपलब्धता होगी तो उन्हें लाइव जो है बुलाऊंगा तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा ये वो भी बता पाएंगे, क्योंकि क्राइम फ्री भारत जहां तक पहुंचा है ये एक यात्रा है जो 2017 में प्रारंभ हुई थी। और उस समय जो है मैं एक सिटिंग डीजी की हैसियत से एक कॉन्सेप्ट नोट क्राइम फ्री भारत का, अपराध मुक्त भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था और 2019 में उसे मान्यता प्रदान कर दी गई एज ए नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत। राजेश बलैया जी आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2019 से यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मान्यता प्राप्त नेशनल पुलिस मिशन है और उसका जो है प्रोजेक्ट हेड और नोडल ऑफिसर मैथिली शरण गुप्त ही है आज भी। जी जी, लेकिन मुझे ये भरोसा हो गया कि दुष्ट और काले चरित्र के नेता जब तक इन्हें पराजित नहीं किया जाएगा तब तक यह राक्षसी व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है। लिहाजा मैथिली शरण गुप्त ने जो है भीष्म प्रतिज्ञा की है कि अब ये 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता मतदान के पहले उन्हें अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही, उनकी कोई भी गड़बड़ियां करने की जो ताकत है उसको कैप्चर कर लिया जाएगा और यदि उन्होंने ऐसे वो घटिया कार्रवाइयां की तो उनका जेल में जाना और जेल में सड़ना सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल सही, तो चाहे वो फ्री भी बांटे, दारू बांटे, ये बांटे, यहां उनको लूटा भी जाएगा और जेल में सड़ाया भी जाएगा। अब वो ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, अब वो कितनी भी घटिया पंती है कोई घटिया पंती नहीं कर पाएंगे और 21 लक्ष्यों सहित
अपराध मुक्त भारत मिशन इस देश को महापरिवर्तित कर देगा। बिल्कुल सही। मैं कोशिश करूंगा कि महापरिवर्तन ये आकाशवाणी ना कर पाए कि रे दुष्टो, रे निष्क्रिय लोगों, तुम लोगों का भी पाप का घड़ा नहीं भरा है। तुम्हारी नियति है कि तुम और तुम्हारे बच्चे अभी इन दुष्ट राजनेताओं के जूते लाते हैं और अपमान को सहें। मैं 100 वर्ष बाद महापरिवर्तन पुनः आके देखूंगा कि क्या आप में निष्क्रियता खत्म हो गई है, क्या दुष्टता खत्म हो गई है, तब मैं 100 साल बाद फिर से महापरिवर्तन के लिए आऊंगा। मैं चाहूंगा कि ऐसी आकाशवाणी महापरिवर्तन ना कर पाए और इस नई बदली हुई व्यवस्था का लाभ 2024 से लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाए और 2029 तक यह अपना पूरा भौतिक शरीर धारण कर ले और भारत एक समृद्ध और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु होगा। अब जो है शिक्षा को प्राप्त करने के लिए लोग भारत में आएंगे। भारत जो है इट विल बी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आजकल अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, भारत विश्व गुरु भी होगा और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होगा। बोलिए जी, आप हमको इतने समय से सुन रहे हैं, आज की जो बातचीत मैंने आपको समझाई है वो आपको कितनी प्रैक्टिकल दिख रही है, आप कितना उसे होते हुए देख पा रहे हैं, इस बारे में आप अपने प्रतिक्रिया मुझे जरूर दें। जी, आपने बहुत विस्तार ले लिया है ना, वो तो धीरे धीरे होता है विस्तार, काम तो हो ही गया प्रयास करते करते। आपका बहुत अच्छी बनी बन चुकी है और इसको लोग स्वीकार करेंगे, बहुत उत्सुकता से जुड़ेंगे लोग। बिल्कुल सही बात है। क्यों? हाँ, अपन को अपनी वो मेहनत करने में बस पीछे नहीं हटना है। अच्छा, एक चीज हम आपको बता दिए हैं इसमें, एक शर्त वो भी है कि जो ये हम लोग अभी बातचीत करेंगे रोजगार गारंटी वाली, इसके वीडियो उनको बैठ के दिखाए जाएंगे। जो व्यक्ति जाएगा, जो उनको रजिस्टर करेगा, सबसे पहले वो वीडियो दिखाएगा, राइट राइट। और एक वो अपने साथ एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर और उसके हस्ताक्षर आदि लेगा, राइट जी। अच्छा, उसके आगे ये भी लेगा कि वो जो क्या जो है वो गारंटी स्कीम के तहत जो है शर्तों को पालन करते हुए जो है ना इसका लाभ लेने की इच्छा रखता है, वो भी उसमें लेख करेगा वो, राइट। मतलब जरूरी नहीं है कोई लाभ नहीं लेना चाहे, आज वो गरीबी में रहना चाहे तो रह सकता है। भाई ये निर्णय उसे लेना है कि वो उसे गरीबी में रहना है या समृद्धशाली भारत में रहना है, राइट। फिर इसके बाद जो है इन वीडियो को सुनने के बाद उसे प्रश्न पूछना होंगे, राइट। वो उसी रजिस्टर में वो प्रश्न जो है लिखे जाएंगे और जब वो प्रश्न जब जो है रजिस्टर भर जाएगा तो उसे जो है ना रजिस्टर्ड पोस्ट से जो है ना पोस्टल सर्टिफिकेट के साथ स्पीड पोस्ट से मैथिली शरण गुप्त के पास भेजना होगा, तो ये जो है ना एक सुरक्षित रहेगा। ये फॉर्म भी जो है जैसे जैसे इकट्ठे होते जाएंगे तो एक तो इमीडिएटली उसका फोटो लेके टेलीग्राम ऐप पर जो लेने वाला है वो भेजेगा, जिसने भरा है वो अपने टेलीग्राम से भेजेगा और जिसने भरवाया है वो अपने पे भेजेगा। और फॉर्म भरवाने वाले को चूंकि 500 रुपए मिलने वाले हैं बाद में, तो लिहाजा जो है उस फॉर्म में मैं किसने भरवाया है उसका भी पूरा डिटेल नोट किया जाएगा, राइट। तो उसको भी उसका जो है ना मिलेगा। तो पहले जो है वो फोटो लेके जब भर जाएगा फॉर्म तो फोटो लेके उसे भेजना है, यदि कुछ कॉलम खाली रह जाते हैं तो फिर फॉर्म जो है उस व्यक्ति के पास ही रह जाएगा। किस व्यक्ति के पास? जिसने भरा है। और जैसे मान लो जिन करिए उसके पास मोबाइल नंबर मोबाइल नहीं है, राइट, तो वो मोबाइल वो अपने पास उस फॉर्म को रख लेगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि फॉर्म भरवाने वाले के पास रहे, वो उसको नोट करके दे दे कि आपके इसमें ये कमी है इसको पूरा कर लीजिए और मुझे फोन कर दीजिए, जब आपका मोबाइल आ जाएगा तो फोन कर देना अपने नंबर से, तो मैं आपको बाकी चीजें वो कंप्लीट करा दूंगा, राइट। तो पहले आधा भरा फॉर्म भेज देगा, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा भरा फॉर्म भेज देगा, राइट। अच्छा, एक जो है वो फॉर्म भरवाने वाला शपथ अपने सामने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेगा अपने टेलीग्राम से, राइट
और दूसरी शपथ जो है व्यक्ति खुद लेगा, राइट, और वो जो है ना इस व्यक्ति की उपस्थिति में नहीं लेगा। हा? पहले शपथ किसने ली है, कौन लिवा रहा है, जिसने उसका फॉर्म भरवाया है, राइट, फॉर्म भरवाया, तो वो जो फॉर्म भरवाया है वो अपने उसमें रिकॉर्ड करेगा और उसको वो करेगा, जब उसका मोबाइल आ जाएगा तो वो अपनी शपथ खुद लेगा, राइट, या राइट, और उसको अपने ही मोबाइल से जो है ना अपलोड करेगा, बराबर। तो इस तरीके की इसकी पूरी भूमिका बना ली गई है, आपको इसी भूमिका के अनुसार मैंने आपको ब्रीफिंग अभी दी है, उसके अनुसार फॉर्म डिजाइन कर लीजिए। अपन फॉर्म को जो है ना 2-3-4 बार सुधार का काम करेंगे, जब अपन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे तब वो फॉर्म जो है ना जारी कर देंगे। ठीक सर, आज का अवकाश भी है हमारा, तो आज हम बस घर पे। हाँ, उसमें हम ये कह रहे हैं कि आपने बनाया, हमने स्वीकार किया, ऐसी प्रक्रिया नहीं रहेगी उसकी। आप बनाइए, मैं उसको देखूंगा, फिर कुछ कुछ लिखूंगा, लिखने के दौरान आप भी जो है ना बताइए, हाँ सर इसको ऐसा कर लेते हैं, तो ये इंटरेक्टिव एंड इटरेटिव प्रोसेस होगी, जिसमें आपको पूरी तरह से अपनी बात कहने का और समझाने का मौका होगा, और मैं अपने पक्ष दूंगा कि इसमें ये परिवर्तन क्यों कर लिया जाए। जब दोनों लोग सहमत हो जाएंगे तो उस फॉर्म को जो है ना फाइनल कर दिया जाएगा, और जो अल्टरेशन एडिशन होता रहेगा उसमें, हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव तो बाद में भी होता रहेगा, मतलब तो कोई भी चीज जो है ना डायनेमिक होना चाहिए, नए तत्वों के अनुसार उसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी अतिरिक्त चीजों को जोड़ते ही रहेंगे, लेकिन जो जो आज की डेट में जो फॉर्म भर के और कंप्लीट हो गया है उसे मान्य किया जाएगा, उसके लिए दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। और कुछ भविष्य के जो फॉर्म होंगे उनमें वो एडिशन अल्टरेशन जो है ना लागू होगा, पुराने फॉर्म में जो है वो वर्तमान स्वरूप में ही उसको पूर्ण माना जाएगा, उसको बात समझ रहे ना। जी, तो बताइए आप जो है देशवासियों को राजेश बलिया जी क्या संदेश देना चाहेंगे, अब तो क्रायफ्री भारत मिशन की 2,00,000 रुपए प्रतिमाह की रोजगार गारंटी स्कीम, जिसके तहत भारत जो है फ्री भी मुक्त होगा, रिजर्वेशन मुक्त होगा, गरीबी मुक्त होकर समृद्ध होगा, इस योजना को जो मैंने आपको समझाया है इसके बारे में मैं आपकी प्रतिक्रिया सुनना चाहूंगा और समझना चाहूंगा। जी, बहुत अच्छी योजना है, और अब पूरा विश्वास है कि अब इस योजना को लेके जब क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य घर घर जाएंगे तो हर तरफ से स्वागत किया जाएगा इसका, और सब उत्साह से इससे जुड़ेंगे। अब इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टेड मैटर आ गया है, जो जोड़ने जाएगा प्रयास करेगा उसके लिए भी, तो अब कहीं कोई शिथिलता जैसी स्थिति नहीं बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने एक निर्णय और भी लिया है, जो अभी हमारी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप का जो ऐप पर डिपेंडेंसी थी और ऐप वाला जो हमारे साथ दुष्टता कर रहा है, लिहाजा मैं सोच रहा हूँ कि अब सदस्य शपथ को जो है फिजिकल भरवा के भेजने का जो काम करेगा उसको जो है उसके आधार पर उसे जो है ना काउंटिंग दी जाएगी, राइट, और यदि दो व्यक्तियों ने जो है ना उसको भरवाया तो जिसने पहले भरवाया उसका मान होगा, जो दूसरे ने बाद में भरवाया वो अमान हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है सदस्यता में अब उन लोगों को भी मान्यता प्रदान की जाएगी जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है और जिनके जिनके पास जो है ना बटन वाला है ना वो वाला है। हाँ, फॉर्म भरा, फॉर्म भरा और उसको अपने टेलीग्राम से भेजना है उसको, समझ गए ना। और जो है जिसने फॉर्म भरा है यदि उसके पास मोबाइल है तो उसे भी अपने टेलीग्राम से भी भेजना है, एक काउंटर चेक भी होगा जी, क्योंकि बाद में तो जो है ऐसे ऐसे जो फॉर्म जिसमें कि वो, क्योंकि कई बार क्या है लोग किसी का भी फर्जी साइन वाइन करके भेज दिया, क्योंकि इसमें बड़े स्टेक होंगे ना, जो नंबर वन पे आ गया उसको मुख्यमंत्री बन रहा है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए तो लोग घपले भी करेंगे ना, बिल्कुल, तो वो घपला ना कर पाए कोई, इसलिए ये जरूरी है कि वो व्यक्ति जो है अपना जिसने भरवाया वो तो अपना भेजेगा ही भेजेगा, जिसने भरा है वो भी भेजेगा, राइट, और यदि मान लो एक ही व्यक्ति से दो लोग फॉर्म भरवा लेते हैं तो जिसने फॉर्म पहले भरवाया है उसका बाद में फाइनली जब रिव्यू होगा तो रिव्यू में तो हर फॉर्म को देखा जाएगा, तो उसका तभी मान्य, उसी का भी मान किया जाएगा जिसने पहले भरवाया होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारी डिपेंडेंसी जो ऐप आज बदमाशी कर रहा है और उसकी बदमाशी के कारण मैं थोड़ा सा हल्का सा घबरा रहा था, मैं अब डिपेंडेंसी से भी बाहर आ गया हूँ क्योंकि अब संचार के लिए मैं ऐप पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, राइट। जानकारी के लिए मैं ऐप पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। शपथ पत्र जो है, जब चुनाव में वोट दबा के जो शपथ पत्र भेजेगा वो भी हमारे पास इंस्टेंटेनियसली आ जाएंगे, तो मेरी डिपेंडेंसी वो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से हट जाएगी जो इन दुष्ट राजनेताओं ने उन पर दबाव बनाकर पैदा किए। क्योंकि ये बात मैं समझ रहा हूँ, वो ऐप जो पिछले दो महीने से गड़बड़ कर रहा है वो अपने आप गड़बड़ नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी सब ऐप ठीक चल रहे हैं। तो एक मैथिली गुप्त का क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप ही गड़बड़ क्यों कर रहा है? उसमें जो है शासकीय सेवा में बैठे हुए दुष्टों की भूमिका है जिनको पहचान करके दंडित भी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दुष्टों को दंड करना, दंडित करना और दलन करना नहीं किया जाएगा तब तक महाभारत पूरा नहीं होगा। बिल्कुल, महापरिवर्तन भारत का सपना पूरा नहीं होगा तब तक। बिल्कुल सही। तो इसलिए जो है ये जो दुष्ट दुष्टता कर रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि उनकी दुष्टता को पहचाना भी जाएगा और उसमें अपराध का पंजीयन भी किया जाएगा और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। बहुत सही होना भी चाहिए ऐसा। तो अब ये दुष्टता जो है, जो भी कर रहे हैं, जिस लालच में कर रहे हैं, पद के लालच में या इस लालच में कर रहे हैं, उन दुष्टों को भी दंड दिया जाएगा। ये मैथिली शरण गुप्त अपराध मुक्त भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संकल्प भी है, घोषणा भी है और भीष्म प्रतिज्ञा भी है। बिल्कुल राइट सर। तो यदि आपकी इजाजत हो तो अब इसको यहीं पे समाप्त किया जाए, समापन किया जाए। जी। जय हिंद, जय भारत। सहमति कहा करें? क्या हुआ? इजाजत नहीं कहा करे, सहमति कहा करे? आप बड़े, हम का इजाजत दे आपको? नहीं, ये तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। हम तो एक बच्चे से भी इजाजत मांग सकते हैं, ऐसी क्या बात है? उसको भी फक्र होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको जो है इतना ओहदा देते हैं कि हमसे अनुमति लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मेरे जो है, मैं SP गुना था और एक मिस्टर श्रीवास्तव थे, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वो सब जो है ना पुलिस के ढेर सारे जो है काम आम निर्माण काम वगैरह कराते थे, मतलब बड़े मेहनती अच्छे थे, राइट। तो अब जो मेहनती होगा तो वो मेरे तो नजदीक आ ही जाएगा, तो वो ऑब्वियसली मेरे बहुत नजदीक थे। एक दिन हम बैठ के चाय पी रहे थे उनके साथ, तो हंसते हंसते उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। बोले, सर 5-6 महीने पहले की बात है, मैं आपके बनवे के विरुद्ध जा रहा था तो एक ASI ने मुझे पकड़ के जो है ना मेरा चालान कर दिया। तो मैंने उससे कहा कि मैं आपके SP साहब का मित्र हूँ, रोज उनके साथ चाय पीता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बात मुझे मालूम है और आप तो आप हैं, यदि मेरे SP साहब भी जो है ना यदि नियम का उल्लंघन करेंगे तो मैं उनका भी चालान करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो है मुझे इनाम देंगे। She is a confidence। और ये बात मैं आपको 92-93 की कह रहा हूँ, आज से इतने साल हो गए हैं। एक पुलिस ऑफिसर को उस जिले में जहां पर की पत्ता भी राजनेताओं के बिना नहीं फड़कता था, जहां थानों में FIR जब तक राजनेता नहीं कह देते थे तब थाने में FIR नहीं लिखी जाती थी, इतने घटिया स्तर पे था वो जिला। ऐसे जिले में उसी जिले का पुलिस अधिकारी का हौसला देखिए कितना बढ़ गया कि वो कह रहा है कि आप तो आप हैं, आप तो कह रहे हैं कि आप हमारे SP साहब के मित्र हैं, मैं तो कह रहा हूँ SP साहब भी यदि निकलेंगे तो भी मैं जो है उनका भी चालान कर दूंगा। ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति में आया। तो मैं आपके उस बात को कह रहा था कि मेरी ये प्रक्रिया का हिस्सा रहा है कि कॉन्फिडेंस जो है छोटे बड़ा उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें कॉन्फिडेंस डालना है। लिहाजा आपसे इजाजत लेना पूर्णतया उचित है, राइट। क्योंकि आपको भी लगना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना केवल हमारी सहमति लेते हैं बल्कि मुझसे इजाजत भी लेते हैं, राइट। इन्हीं शब्दों के साथ जो है अब इस वार्तालाप को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।